Ne program? हाँ, सब लोग लगाएगा, अभी दोनों को ये करेगा। नीचे में चेयर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो है क्लाइमेट चेंज जो होता है उसका रुकने वाला सूर्य का जो ताप है उसको रुकने वाला पेड़ नहीं है, बड़ा बड़ा पेड़ नहीं है। इसके लिए क्लाइमेट चेंज होने के बाद ये जल्दी जल्दी गर्मी आता है। इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड को फिलअप करने पड़ेगा। जब तक पेड़ जिंदा रहेगा हम लोग जिंदेगा, पेड़ नहीं तो हम लोग जिंदे नहीं रहेगा। ये करने सही रुकने के आप साइंटिस्टों लोग से बैठा है सताए बड़ोखा ने जोरहाट में, तो ये मकाल बेम्बो उसका मकाल मांस बोलता है उसको रुकने आता है। वो क्या है, ऊपर में जितना जाता है नीचे में उसका सिपा भी नहीं जाता है, और बाकी सब बेम्बो क्या है ऊपर में रहता है उसको इरिशो न रहा। पेड़ लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो अभी आपको मालूम है वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत बड़ा इशू उठा रहा है, जिसमें हमारा इंडिया भी बहुत जोर लगा रहा है कि क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि ये पेड़ पौधे नहीं होने से है। एक तो ये फ्लड एरोजन वगैरह हो रहा है, दूसरा हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन वगैरह जितना भी हम लोग ऑक्सीजन पेड़ पौधे से लिया है, और गर्मी आपको प्रोटेक्ट करता है उससे पेड़ पौधे से, और इससे इसी के ऊपर में डिपेंड है जितना भी एनिमल लिविंग थिंग्स है वर्ल्ड में दुनिया में सब इसी पेड़ पौधे के ऊपर में डिपेंड है बोरगुली में। तो इसी तरह अवेयरनेस प्रोग्राम रखते रहते हैं पेड़, क्योंकि डिपार्टमेंट के ऊपर में हम लोग डिपेंड नहीं करना है, डिपार्टमेंट तो सेंक्शन के ऊपर में डिपेंड करते हैं, हम लोग सेंक्शन आएगा तो कहें, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान हमारा गाँव वालों को होता है। तो गाँव वाला भी इसमें जोर लगाने चाहिए, इनिशिएटिव लेने चाहिए पेड़ लगाने के लिए। सियांग का पिछले साल से जो इरोजन होके इतना सारा हमारा मिट्टी खा गया है और ले गया है हमारे गांव के प्लांटेशंस को, खेती को, फिर हमारे बरियल ग्राउंड को जो लेके जा रहा है, स्कूल को लेके जा रहा है, तो उसको लॉन्ग टर्म में बचाने का तरीका एक ही तरीका है, वो प्लांटेशन और एफॉरेस्टेशन, जिससे हम लोग इरोजन को रोक सकते हैं। इसीलिए ये पूरा मूवमेंट को एक ट्रिगर की ज़रूरत है, जहाँ पे एक ऐसा पर्सनैलिटी आए जो लाइफ में ऐसा करके अचीवर है और जो हमको उत्साह दे सके कि हम ऐसे काम को और आगे ले जाए, और गांव वालों को आपकी कहानी सुना सके, जो गांव वाले खुद ही वॉलंटियरली ये सब काम करने के लिए हाजिर रहे। इसीलिए हमारा एम था कि यादव पाएंग और इंडिग्लो जैसे जो फेमस पर्सनैलिटी है कंजर्वेशन में और एफॉरेस्टेशन में, उनको इधर लेके आए, क्योंकि इस इलाके में लोगों को पता नहीं है कि एफॉरेस्टेशन से क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं। तो यादव साहब पाएंग जैसा आदमी जो 1 मिलियन ट्रीज प्लान कर चुका है, अगर ऐसा आदमी अपनी कहानी इधर बता सके और हम लोग को उत्साह दे सके कि हम भी ऐसे प्लांटेशन करें, तो फाइनली लॉन्ग टर्म में यही सियांग पानी को रोक सकेगा। यह कार्यक्रम मैंने 2 साल पहले शुरू किया था, आई वेंट टू सी सम इगोनेस फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, उसमें मैंने 2 दिन रहा, एंड आई ट्राई टू मीट हिम, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट अवेलेबल इन दिस ईयर, ही वॉज इन हैदराबाद बिकॉज ऑफ सम सोशल वर्क, कभी साउथ अफ्रीका में जाते हैं, कभी फ्रांस में, कभी जर्मनी में, कभी चाइना में, इंडोनेशिया में, सारा दुनिया से उनका इन्विटेशन डेली आता है, और अभी भी तेजपुर यूनिवर्सिटी इज वेटिंग फॉर हिम, दे हैव अ प्रोग्राम विद हिम। इसी तरह से दोनों इतना बिजी आदमी है, समाज सेवक है, जो कि एक यूनिक सोशल वर्कर से, उनका तो डिमांड तो होगा ही होगा।